राधे राधे, जय माता दी। मैं माही तिवारी और मैं आपको लेके चल रही हूँ कटनी की दुर्गा जी दिखाने के लिए। आज सप्तमी का दिन है, तो सबसे पहले हम अपने ही मोहल्ले से शुरुआत करेंगे। चौक दुर्गा पूजा उत्सव समिति, और ये देखिए इनके जो अध्यक्ष लोग हैं, आपको दिख ही रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ये देखिए पूजा तिवारी, साई कराओगी और प्रिंस तोमर। जी जी, आप लोग के द्वारा दुर्गा जी रखी गई है। अरे अरे क्या हो गया, प्रसाद तो दो भाई। अच्छा, तो ये देखिए कि दुर्गा माता जी दर्शन करिए। जय माता रानी। ले ली गाय, जलेबी खाकर जा रहे हैं। और इनकी दुर्गा जी में जलेबी का प्रसाद बांटा जा रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये दुर्गा जी है दूसरे नंबर की, और अच्छी है ये भी। और अच्छी है। हेलो, अब आपको हमारे सुखन चौक से लगातार आपको दुर्गा जी दिखती जाएंगी और हम आपको दिखाएंगे। हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी मिहू को चॉकलेट देते हुए। और ये यहाँ के तीसरे नंबर की दुर्गा जी हैं, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है। तो अभी तक मैं आपको तीसरी दुर्गा जी दिखा चुकी हूँ, अब फिर आगे चलते हैं। कंटिन्यू हमारे लाइन में दुर्गा जी है, और ये हमारा मिस्टर डोसा। और अभी एक और हमारे यहाँ चौपाटी खुली है माँ चाउमीन पिज्जा, तो ये देखिए हमारी लाइन में है। और हमारे शीतला फुल्की वाला भैया, पता नहीं नया कुछ खुल गया है। और ये हमारे भैया शीतला फुल्की वाले, ये अब फिर अब हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास। हमारे सुखन अखाड़े वाले लाइन में पूरे में दुर्गा जी रखी रहती है, और आपको ये लाइटिंग देखी रही है। अब हम पहुंच रहे हैं चौथी दुर्गा जी के पास में। काफी लंबा वीडियो हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप सभी कमेंट करके बताना हमारा वीडियो कैसा लगता है। और हाँ, ये हमारे मोमोज वाले भैया जी अब दूर आ गए हैं, न्यू अक्षय मोमोज भैया जी खुद ही मोमोज खा रहे हैं, ये देखिए। और अब इसके बाद यहाँ पे ब्रजवासी चूरण की दुकान लगी हुई है, मतलब पूरा हमारा ये छोटा सा चौपाटी बन चुकी हुई है, सुखन अखाड़े की चौपाटी कहेंगे रघुनाथ वाड़ की। और ये हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर जी, जय श्रीमन नारायण। और अब हम आपको दिखा रहे हैं फोर्थ नंबर की दुर्गा जी।
गाइस, तो अभी हम दोनों ने आपको इतनी सारी दुर्गा जी दिखा दी है, 5-6। सबसे अच्छी लगी थी काली माता, हाँ, वो जो कि हमारी कुल देवी है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं जालपा मंदिर के दर्शन कराने के लिए। वहाँ पे बाजार मेला भी है, मैं तो सुनूंगी। हाँ, तो आपको हम मेला भी दिखाएंगे और आपको माता रानी के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं माता रानी से। चलो, जय माँ जालपा कालका। तो अब हम लोग आ चुके हैं जालपा माता मंदिर के बहुत पास में। तो इससे पहले हम आपको हमारी चाचू, हाँ, आतिश चाचू की दुर्गा जी दिखाएंगे, जो कि मिलन ग्रुप है। तो अब आप माता रानी के दर्शन करिए। हाँ, हम लोग ने कल देखी थी, लेकिन ब्लॉग शूट नहीं किया था। ब्लॉग आज ही शूट हो रहा है। अभी आप दर्शन करिए। जय माता रानी। और ये मिलन के सभी सदस्य मेंबर हैं। सब्सक्राइब करना है फिर चैनल को। मैं देखो, ये इसके रूप में है। और अब हम आ चुके हैं माँ काली जी के मंदिर, जो कि तोमर परिवार की तरफ से बनाया गया है। तो ये देखिए अंकित, जय माई। और यहाँ से मेला स्टार्ट हो जाता है आपका। और ये है काली मंदिर। चलो अब पहले यहीं के दर्शन कर लेते हैं। आप देखिए कितना अच्छा मेला भरा हुआ है। चलो चलो चलो। परिक्रमा लगा रहे हैं। जय माता रानी। अपने बड़े पापा के साथ खड़ी हूँ। उस तरफ से आप देख रहे हैं कितना बढ़िया मेला भरा हुआ है। जीजा जी कहाँ है? देखा, जीजा जी पहले चाट की दुकान पे। और ये हमारी कटनी की महारानी माँ जालपा कालका शारदा। हम लोग चाट खाते हुए और चाट खिला रहे हैं जीजा जी हमारे। बाद में अब आपको मैं लेके चल रही हूँ कटनी के हृदय स्थल में, जहाँ पे विराजमान है कटनी की महारानी माँ जालपा कालका शारदा। और ये है वहाँ का मेन गेट और यहाँ पे माता रानी भी विराजमान है। देखिए, तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो शेर वाली माता की जय, जय माता दी। और अब हम आगे चलेंगे, मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ कटनी की महारानी माँ जालपा माता जी के। तो देखिए, अब हम आगे चल रहे हैं। मेन गेट बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। और ये बस अब हमने उसको क्रॉस कर दिया है। और आप देख रहे हैं मेला कहां से शुरू हुआ था, अभी तक मेला चल ही रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी रौनक है, भव्य माता रानी का मंदिर का आपको मैं दर्शन कराने वाली हूँ। तो आप सभी मेरे साथ वीडियो में बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक, तभी आप माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो यहीं से माता रानी को अर्जी लगा सकते हैं। कटनी की महारानी जरूर सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। तो ये श्री राम भक्त जी का मंदिर है, प्रणाम करेंगे यहाँ पे। और अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी के
मेन द्वार में तो हम अंदर प्रवेश करेंगे। तो अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं। देखो मीहू अब स्लीपर वगैरह उतार रही हैं और अब हम लोग अंदर चलेंगे। तो चलिए अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो जालपा कालका शारदा मैया की जय। चलो भाई, बड़ी मम्मी मौसी मीहू के साथ में दोनों हैं, क्योंकि ये हमारी बड़ी बहन भी हैं और मीहू की बड़ी मम्मी भी है। तो अब हम परिक्रमा करेंगे माता रानी का। कहीं भी मंदिर में जाओ तो पहले परिक्रमा करना चाहिए, उसके बाद ही फिर वहाँ खड़े होना चाहिए। तो अभी हम परिक्रमा लगा रहे हैं। यहाँ पे 64 योगिनी माता हैं। कटनी का एक ऐसा मंदिर यही है जहाँ पर पूरी 64 योगिनी माताएँ बैठी हुई हैं और माता रानी बैठी हुई हैं। शंकर जी का मंदिर भी है, मतलब यहाँ समस्त देवी देवताएँ विराजमान हैं। तो आप मेरे साथ दर्शन कर रहे हैं। ये मैं आपको सप्तमी के दिन का वीडियो दिखा रही हूँ। आज हम लोग सप्तमी के दिन पर यहाँ पर आए हुए हैं और बस अब हम लोग मैं आपको माता रानी के दर्शन कराने वाली हूँ। चल रहे हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, देख के भी चलना है कि कहाँ से जाना है। और ये देखिए नारियल का भंडार, मीहू को रास्ता ही नहीं मिल रहा कि वो कहाँ से जाए। और ये देखिए यहाँ पे अगरबत्ती लगी, उसका धुआं देखिए, मतलब मंदिर में पहुँचने में एक अलग ही अनुभूति होती है, मन को शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं क्योंकि सप्तमी वाले दिन जालपा मंदिर में जितनी भी 64 योगिनी माताएँ बैठी हुई हैं उन सभी का श्रृंगार होता है, अभिषेक होता है। तो जो जो लोगों ने माता रानी को बैठाला हुआ वो पूरे सभी लोग आते हैं माता रानी का श्रृंगार करने के लिए। तो ये सभी वही हैं जिन्होंने माता रानी का श्रृंगार और अभिषेक किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, मैं तो बिल्कुल भी, अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं अंदर पास में जाके आपको माता रानी के दर्शन कराऊं। तो अगर आपने मेरा पंचमी का ब्लॉग देखा हुआ तो उसमें आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और अब हम लोग मंदिर के बाहर निकल आए हुए हैं क्योंकि अब मीहू है जो हमारे साथ में, उनको करानी है मेले से शॉपिंग। तो तानी बड़ी मम्मी मौसी जी साथ में हैं जो कि हम दोनों को शॉपिंग कराएंगी। फिर आप लोग देखेंगे भी कि हम लोग ने क्या क्या लिया। तब हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग शॉपिंग करेंगे भाई कि क्या लेना है मेले से। मीहू तो कुछ भी चीज़ के पीछे पड़ जाती कि मम्मी ये दिला दो, मम्मी वो दिला दो, लेकिन हम लोग बिल्कुल उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे थे कि नहीं भाई ये नहीं लेना, जो ज़रूरत का हम वही लेंगे। तो तानी बड़ी मम्मी मौसी ने उसको कड़िया दिलाया था। और ये देखिए एक बार फिर दर्शन करिए जाते हुए माता रानी के। तो अब सभी हम घर पहुंचने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग अपने घर के रास्ते पर आ चुके हैं और मीहू पूरे रास्ते भर परेशान करी है कि श्री डोसा से ये खिला दो, मिस्टर डोसा से ये खिला दो। जबकि हम लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिन अपन लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन ये पूरे रास्ते हम लोग को परेशान करती रही। तो हम लोगों ने उसको पटेटो टोस्टर हम लोगों ने ऑर्डर किया। और अब ये देखिए प्रिंस होटल पहुंची कि मम्मी महादेव से अब डोसा ही खिला दो। तो हम लोगों ने वो पटेटो टोस्टर ऑर्डर लगा दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं फ्री दूध डेयरी, वहीं पे हमारा ऑर्डर आएगा और हम लोग खाएंगे। तो अगर आज का चैनल सॉरी आज का वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कॉमेंट जरूर करें। और राधे राधे, जय माता दी।